नमस्कार, मैं पलक यादव, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। रविवार शाम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बरेली के विशप मंडल कॉलेज मैदान में हजारों की संख्या में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आप लोगों ने बनाई तो हम वादा करते हैं किसानों की आय दोगुनी होगी और उनका कर्जा माफ होगा। नौजवानों की परीक्षाओं में आए दिन होने वाले पेपर लीक बंद कर दिए जाएंगे। व्यापारियों का GST के नाम पर किया जाने वाला शोषण भी बंद कर दिया जाएगा। अग्निवीर जैसे पदों को निरस्त करके स्थायी नौकरियां नौजवानों को दी जाएंगी, जिससे हमारे देश की सीमा की रक्षा पूर्ण रूप से हो सके। मौजूदा सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन में मिलावट हो रही है। यदि हमारी सरकार बनी तो राशन की गुणवत्ता पौष्टिकता में सुधार किया जाएगा और मोबाइल डाटा भी फ्री में दिया जाएगा। वहीं 25 बरेली लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने कहा कि उन्हें सभी जाति और समुदायों को वोट मिल रहा है, चाहे वह दलित समाज हो, कुर्मी समाज हो, ठाकुर समाज हो, बनिया समाज हो, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, हमें सभी को वोट और सपोर्ट मिल रहा है। हमारी जीत एक ऐतिहासिक जीत होगी। दूसरी ओर शायर वसीम बरेलवी ने अपने शायराना अंदाज में लोगों का मन जीत लिया। पूर्व मेयर सुप्रिया एरन ने सभा में आए लोगों से सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन को भारी मतों से विजयी बनाने की विनम्र अपील की। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से आसिफ अली की खास रिपोर्ट। निराली है अदा मेरी, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक, हजारों बोलियों से मिलके बनती है दुआ मेरी। तो आपका इस्तकबाल और इसलिए भी इस्तकबाल कि आप वो निस्वार्थ सियासतदान हैं जिसने फकीर फकीर को कलमदारी की दुनिया से ले जाकर MNC तक पहुंचाया। और मैंने बताओ उनकी होर्डिंग पे कहीं तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? जिनके लिए वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ कहीं होर्डिंग पे है वो क्या? तो सोचिए वो पहले से ही गायब है। और जब बरेली वाले वोट डालेंगे जो एक है वो भी गायब हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, हमारे किसान भाई जानते होंगे इन्होंने कितना आंदोलन किया है। यहाँ के किसान गए दिल्ली से लेकर के हर जगह सरकार के खिलाफ लड़ते रहे और एक ऐसा समय आया जब सरकार ने 3 काले कानून लाने का काम किया था। उस समय किसानों को रोकने के लिए RCC दीवार सड़कों पे कील और कहीं भी उन्हें डीजल नहीं भरने दे रहे थे ट्रैक्टरों पर। लेकिन अब हमने किसान लोगों को बधाई देंगे कि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, सालों साल वहां पड़े रहे, रुके रहे, आंदोलन करते रहे और तभी वापिस हुए जब सरकार ने अपने 3 काले कानून वापिस ले लिए। ये किसानों की ताकत के आगे BJP के लोग झुक गए, लेकिन अभी भी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। जो MSP के अधिकार को लेकर के हमारे किसान लगातार काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, हम अपने तमाम किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि जब भी सरकार बनेगी अपने किसानों को MSP का कानूनी अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे, जिससे हमारे किसानों की आय बढ़ सकती। ये लोग कह रहे थे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।